सिंपल और काफ़ी अच्छा घर का नक्शा आज हम लाए हैं। कम ज़मीन पे ज़्यादा बेडरूम के साथ ही ये प्लान है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 बेडरूम के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं, ये सिंपल प्लान है। दिस साइड मैंने एंट्री लिया है, एंट्री गेट रहेंगे, ये गेट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेयर प्रोवाइड किया गया है जो कि दिस साइड से अप रहेगा। 3 फीट के स्टेयर लिए गए हैं, ऐसे ही दिस साइड भी 3 फीट लिया गया है और दिस साइड भी 3 फीट। और एंट्री इसके स्टेयर के नीचे से प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसका साइज रखा गया है वो 8 फीट 4 इंच रखा गया है। और ये ओपन स्पेस रहेंगे, ये ओपन स्पेस लेके बनाया गया है। ऐसे ही ये साइज हो जाएंगे 8 फीट 4 इंच। और यहाँ पे बेडरूम लिया गया है, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम आप दे सकते हैं। इसका साइज 10 फीट 5 इंच रखा गया है और दिस साइड 10 फीट रख के बनाया गया है इस प्लान को। टॉयलेट बाथरूम अटैच किया गया है, ये डोर हो जाएंगे। टॉयलेट, टीवी, टॉयलेट बाथरूम अटैच है। इसका साइज रखा गया है 5 फीट इंटू 4 फीट, ऐसे ही 4 फीट इंटू 5 फीट साइज लेके ये भी टॉयलेट प्लस बाथ रखा गया है। ये बेडरूम हो जाएगा, बेडरूम का डोर आप 3 फीट दे, बेडरूम का डोर आप 3 फीट दे। ये 10 फीट 5 इंच के बेडरूम हो जाएगा और दिस साइड 10 फीट। सेम बेडरूम लिया गया है, ये दोनों सेम बेडरूम लिया गया है। टॉयलेट बाथरूम भी सेम लिया के प्रोवाइड किया गया है। और ये किचन हो जाएंगे ओपन किचन, ओपन किचन यहाँ पे रहेगा। तो डाइनिंग आप रख सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो स्पेस लिया गया है 10 फीट 6 इंच ये लेके बनाया गया है दिस साइड। और दिस साइड साइज लिया गया है 14 फीट 9 इंच रखा गया है। ये ओपन किचन रहेंगे डाइनिंग के साथ। ऐसे ही ये बेडरूम का साइज और बेडरूम बता दिए हम। ये फिर बेडरूम, थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट बेडरूम। फोर्थ आप चाहे तो ये फोर्थ बेडरूम को किचन ले सकते हैं। ओपन आप नहीं यहाँ पे सिर्फ डाइनिंग रखना चाहते हैं तो 10 फीट 5 इंच और दिस साइड 13 फीट साइज लिया गया है। लाइक कर दे, काफ़ी मेहनत से बनाते हैं गाइज। ये 3 फीट का डोर लिया गया है, ये 2 फीट 6 इंच का टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट बाथ है जिसका साइज 4 फीट और दिस साइड 6 फीट रखा गया है। कॉमन टॉयलेट बाथ है। ऐसे ही ये बेडरूम का साइज 8 फीट 4 इंच रखा गया है और दिस साइड 11 फीट रखा गया है। आप चाहे तो इसे किचन बना सकते हैं, ओपन किचन नहीं रखना है तो ये किचन बना सकते हैं। कॉलम ये सभी हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5, ऐसे ही 6 इसके सामने दे, 7, 8, 9 ये विंडो साइड करके रहेगी। यहाँ पे 10, 11 और यहाँ पे 12,
13, 14 और ये 15, 15 कॉलम के साथ है गाइज, 15 कॉलम के साथ ये प्लान को बनाया गया है। ये 20x50 पे बनाया गया प्लान है, जो कि 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट पे ये प्लान को बनाया गया है। और इसमें कोस्ट क्या पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। 10x10 का दीवार दे के आप बना सकते हैं, और वॉल दे साइड के वॉल 10x10 दे, और कॉलम 10x10 दे, 5 इंच के वॉल अंदर के साइड हो जाएंगे इनसाइड, और आउटसाइड 10 इंच के वॉल हो जाएंगे। 4 सरिया T12mm का प्रोवाइड करके ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर आप ले जा सकते हैं। डेप्थ आप 6 फीट रखें, और फुटिंग आप 4x4 का प्रोवाइड करें, और उसके ऊपर आप 3x3 का फुटिंग प्रोवाइड करके आप बना सकते हैं। बिल्डिंग कॉस्ट पड़ जाएगी, ₹12,00,000 to ₹14,00,000 तक पड़ जाएगी। 12 से 14 लाख तक में ये प्लान अच्छा सा बन जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।